सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। आज की वीडियो एक और व्हाट इफ सीरीज की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और पूरी की पूरी स्टोरी को क्रिएट करते हैं। पहले भी बहुत सी वीडियोस आई हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो आज की वीडियो में हम ये लेकर चलेंगे, क्या होता अगर लूफी ने जिसको आज तक ज्वाइन करने के लिए पूछा है, अगर उन सभी ने लूफी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता, अगर वो सभी के सभी स्ट्रॉइड क्रू में आ गए होते, तो हमें कौन कौन से न्यू स्ट्रॉइड्स देखने को मिलते। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो दो कैरेक्टर्स जिन्हें लूफी ने पूछा था अपने क्रू में आने के लिए, वो थे एस एंड साबो। सो इवन दो बचपन में वो लूफी को ज्वाइन कर भी लेते, बट साबो के साथ वो हादसा हो जाता। बट लेट्स अज्यूम कि साबो के साथ वो हादसा हो जाता एंड वो एस एंड लूफी से अलग हो जाता एंड फिर वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास पहुंचता, जहां पर ड्रैगन उसको रेस्क्यू करता एंड उसे एक रेवोल्यूशनरी में कन्वर्ट कर देता। लेकिन अगर बात करें एस की, तो आप सभी को पता था कि एस लूफी से पहले ही पायरेट बनने निकल गया था और उसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया था। बट इस केस में वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को नहीं ज्वाइन करेगा, बल्कि क्योंकि उसने लूफी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो वेट करेगा कि लूफी भी 17 साल का हो जाए, ताकि वो उसके साथ बाहर निकल पाए। अभी वो उसके साथ ही ट्रेन करेगा एंड जैसे ही लूफी 17 साल का होगा, वो दोनों निकल जाएंगे अपनी जर्नी पे, जहां दोनों के गोल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। वैसे अगर आपको एस वाला सिचुएशन इमेजिन करना है, तो आप हमारी वीडियो व्हाट इफ एएसएल पायरेट्स वेयर टुगेदर वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहां पे एक्चुअली में मैंने एस की एक स्टोरी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। अब दोनों जाएंगे ऑरेंज टाउन में, जहां उन्हें जोरो मिलेगा एंड एज लूफी को स्वॉर्ड्समैन चाहिए ही था एंड मेन स्टोरी में भी लूफी पूछता है जोरो से, तो इस वाले टाइमलाइन में भी लूफी जोरो से पूछेगा कि वो लूफी को ज्वाइन करेगा या नहीं एंड इस बार वो बिना कोई नौटंकी किए पहली बार में ही ज्वाइन कर लेता है। ना वो मरीन्स वाली जो फाइट है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठीक उसी जगह पे लूफी पहली बार जोरो से मिला था। तो इस बार लूफी एंड साबो साथ में ही होंगे और वो सभी मिलके एक साथ ही मरीन से फाइट करेंगे। उन्हें हराने के बाद वो सभी वहां से निकल जाएंगे एंड अब हमारे पास आ चुके हैं लूफी, जोरो एंड साबो एज न्यू स्ट्रो हैट पायरेट्स। नेक्स्ट अप है हमारी नामी, जिसे लूफी पूछता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि नामी एक नेविगेटर है एंड उसे भी एक नेविगेटर की जरूरत थी, वरना उसे जोरो को नेविगेटर बनाना पड़ता, फिर वो लोग एक ही दिन में वन पीस खोज लेते और फिर हम लोग को पता है कि हमें इतनी लंबी स्टोरी नहीं मिलती, इसीलिए उसे नामी को एज ए नेविगेटर रिक्रूट करना पड़ा। लेकिन इस बार सिचुएशन नामी का थोड़ा अलग होगा, जहां हमने पिछली बार देखा था कि वो उन सभी को धोखा देके भाग जाती है आर्लोंग के पास। इस बार के रूल्स थोड़े अलग हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लूफी को मना नहीं कर सकता, तो नामी यहां पर एक ही बार में उन्हें हाँ बोल देती है और हमें ये पूरा का पूरा बराटी वाला सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वो खुद ही लूफी को बता देती है आर्लोंग और उसके विलेज के सिचुएशन के बारे में। और लूफी अपने फ्रेंड्स के लिए इतना दयावान है ही कि वो उसकी हेल्प जरूर करता। अब सब मेंबर सेल करते हैं एंड एक अजीब से आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलता है गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट गायमोन, जिसकी लूफी हेल्प करता है ट्रेजर ढूंढने में, जो कि एक एम्प्टी ट्रेजर होता है। एंड फिर लूफी गायमोन के सामने स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करने का प्रपोजल रखता है एंड इस टाइम गायमोन भी यस कर देता है एंड फिर अपने फिफ्थ मेंबर के साथ लूफी और उसकी क्रू वहां से निकल जाएगी। वैसे गायमोन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता उनके लिए, बिकॉज एज वी नो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कोई छोटे मोटे काम करते नहीं है, वो लिटरली बड़े बड़े पायरेट्स से फाइट करने के लिए निकलते हैं, बट स्टिल गायमोन उनके लिए छोटे छोटे काम कर देता, जैसे कि किसी भी सिचुएशन में शिप को वहां पर नेविगेट करना, शिप पे झाड़ू पोछा करना एंड मे बी समटाइम्स हेल्पिंग आउट सांज। अब आर्लोंग पार्क जाते जाते वो लोग एक आइलैंड पे रुकते हैं जिसका नाम होता है सिरप विलेज, जहाँ उन्हें उसूप मिलता है। में लूफी ने उसूप से पहले तो शिप पे आने को नहीं कहा था, बट जब लूफी एस जोरो एंड नामी उसकी हेल्प कर देंगे, जो कि इस बार उन पायरेट्स को डिफीट करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अभी हमारे पास लिटरली सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से सिरप विलेज के लोगों के द्वारा लूफी को गोइंग मेरी ऑफर की जाती है और वहीं पर लूफी उसूप को इनवाइट करता है अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए। तो यहां से उसूप भी उनके क्रू में आ जाता है। अब सब मेंबर्स पहुंचते हैं। नाउ आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं, बट जैसे ही इन लोग को गोइंग मेरी मिलती है, ये लोग उसके कैनन्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दो लॉर्डो की शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिनका नाम होता है जॉनी और योसाकू। ये एक्चुअली में जोरो के पुराने दोस्त थे एंड इन्हें भी लूफी इनवाइट करता है। तो हमारे पास दो और लोअर लेवल के स्वॉर्ड्समैन हो गए, जो कि छोटे मोटे एनिमी से फाइट करने के लिए इनफ होंगे। अब जब इतने सारे मेंबर्स हो जाते हैं, तब जाके इन्हें रियलाइज होता है कि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो इनके पास बड़ी शिप भी है जहां पर ये खाना बना सकते हैं। तो ये सभी के सभी नंगे भूखे पहुंचते हैं बराटी पे, जहां पर ये कुक की तलाश में जाते हैं। वहां पर उन्हें मिलता है सांजी एंड काफी कांड भी होता है।
आता है, जो कि आपको ऑलरेडी याद होगा कैसे वहां पर मीहॉक आता है एंड डोंग क्रीक से फाइट होती है। तो एज पर दिस टाइमलाइन सांजी एक ही बार में ज्वाइन कर लेगा, बट एज लूफी डेप्ट में वहां काम कर रहा था तो वो उसके साथ काम करके उसका डेप्ट क्लियर ही कर तो उसके साथ काम करके उसका डेप्ट क्लियर कर ही रहा होगा कि डोंग क्रीक की क्रू वहां पर आ जाएगी एंड आसानी से तो नहीं बट इतनी हार्ड भी नहीं होगा इस बार उन्हें हराना। एज हमारे पास अभी सांजी एस लूफी उसोप एंड जोरो है, बट स्टिल जोरो वर्सेस मीहॉक की फाइट को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा एंड जोरो भी काफी घायल हो जाएगा इस ओरिजिनल स्टोरी। बट एट द एंड इस समय करंट सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होगी रियल स्टोरी से, क्योंकि इस बार लूफी अकेला नहीं है। अब यहाँ से वो लोग सांजी को लेकर चले जाएंगे अरलॉन्ग पार्क में, क्योंकि उन्हें नामी का बदला भी तो लेना है। तो हमारे लौंडे पहुंचेंगे अरलॉन्ग पार्क में उर्फ कोबायाशी विलेज एंड काफी अच्छे से अरलॉन्ग की चुदाई होगी। मगर अब यहाँ पर ध्यान दो तो अभी तक रियल स्टोरी से ज्यादा सिचुएशन बदली नहीं है, एक्सेप्ट ये फैक्ट कि हमारे पास अभी एस है क्रू में। तो इस वजह से लूफी को थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होंगी, जहाँ पे पिछली बार लूफी को छुड़ाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी जब वो पानी में फंस गया था। बट इस बार जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड है तो ये लोग बहुत ही आराम से लूफी को छुड़ा लेंगे। लूफी अरलॉन्ग को डिफीट करेगा एंड विलेज वापस से फ्री हो जाएगा एंड इसके बाद ये सभी लोग नामी के साथ मिलकर वहां से निकल जाएंगे ग्रैंड लाइन की तरफ, जहां क्रू में लूफी जोरो एस गायमोन नाफमी उसोप सांजी और जोरो के दो और दोस्त भी हैं और ये सभी के सभी ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं ग्रैंड लाइन में एंड यहाँ आने के बाद स्ट्रॉ हैट लॉबोन के पेट में जाती है, जहाँ उन्हें गोल्डी रॉजर के क्रू का एक मेंबर मिलता है जिसका नाम होता क्रोकस, जो कि एक्चुअली में एक डॉक्टर था। लूफी उसे भी अपने शिप पे इन्वाइट करता है एंड एज पर रूल वो हाँ बोल देता है। एंड अब यहीं पर स्ट्रॉ हैट को एक डॉक्टर मिल चुका है एंड काफी पावरफुल मेंबर भी, लेकिन लॉबोन वहीं रहता है एंड पायरेट किंग के रिटर्न का वेट करता है। फिर ग्रैंड लाइन से वो लोग विस्की पीक में जाते हैं, जहां उन्हें मिस वेडनेसडे और वीवी मिलती है। नाउ अभी तो लूफी उसे नहीं बोलता है बट वो खुद आती है शिप पे एंड ऐसे ही लिटिल गार्डन भी गुजर जाता है। अब काफी कुछ चेंज वाला है, उसके बाद नामी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड स्ट्रॉ हैट क्रू को एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। एरमे में तो उनके पास नहीं होता है डॉक्टर, तो वो लोग ड्रम आइलैंड पर जाते हैं, बट अभी उनके पास क्रोकस है सो उन्हें ड्रम आइलैंड पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड ऐसे ही हम कह सकते कि चॉपर कभी शिप पे आता ही नहीं, बल्कि उसकी जगह क्रोकस ले लेता। अब जब वो लोग ड्रम आइलैंड पे नहीं गए तो वो काफी कुछ लूज करते हैं, क्योंकि चॉपर के साथ साथ वहाँ पर लूफी डॉक्टर कुरहे को भी पूछता है ज्वाइन करने को, बट अब वो वहाँ जाएंगे ही नहीं तो उनसे पूछेंगे कैसे। तो अभी यहाँ पर ये दो कैरेक्टर्स हमारे सीन से आउट हो जाते हैं। अब ड्रम आइलैंड पर ना जाकर हम बहुत जल्दी अलावास्ता पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारा टाइम बच जाता है पीवी के लिए कि वो आराम से सिविल वॉर को रोक दे, और वो वैसा ही करती है। एंड एज पर इवेंट्स लूफी एंड क्रोकोडाइल की फाइट होती है, बट एज वी नो कि सिविल वॉर नहीं हुई एंड मेंबर्स भी काफी ज्यादा बच जाते हैं लूफी के साइड से, तो ये वॉर भी काफी आराम से निपट जाती है। हम एज्यूम करते हैं ग्रैंड लाइन में आने से पहले एस को भी अपनी डेविल फ्रूट पावर्स मिल जाती हैं, यहाँ पर एस भी काफी हेल्पफुल हो जाता है क्रोकोडाइल के अगेंस्ट फाइट में। एज वी नो लूफी एंड एस काफी ज्यादा आउट गोइंग टाइप के कैरेक्टर्स है, मतलब तुरंत ही अटैक करते हैं, तो ये दोनों पॉसिबली मिल के क्रोकोडाइल से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल का फाइट भी बहुत ही आराम से निपट जाता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एस और लूफी बचपन से साथ में ट्रेन कर रहे, उनके बीच का सिंक काफी अच्छा हो। अब अलावास्ता के एंड में वीवी रुकती नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट्स के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है, क्योंकि लूफी ने उससे भी पूछा था। एंड अब हमारे क्रू में दो नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, क्योंकि रॉबिन लूफी से खुद पूछती है ज्वाइन करने के लिए एंड लूफी हाँ कह देता है, तो वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। एंड अगर वो यहाँ पर उन्हें नहीं ज्वाइन करती तो काफी सारे लोंडो का दिल खड़ा नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि रॉबिन भी क्रू में आ जाती है, मतलब वो ओरिजिनल स्टोरी में भी आई जाती है, तो यहाँ पर भी रॉबिन ज्वाइन कर लिया इन लोग। अब इसके बाद वाले सारे जैसे कि जया आर्क एंड स्काइपी आर्क में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, एक्सेप्ट कि अब हमारे पास ज्यादा लोग हैं एंड उनमें से कुछ पावरफुल फाइटर्स भी हैं, तो काफी सारी फाइट्स थोड़ी इजी हो जाती है। थोड़ा सा हम इसके फॉरवर्ड करते हैं सीधे वाटर 7 की तरफ, जहां लूफी बजट के साथ जाता है अपने शिप रिपेयर कराने एंड वहां हमें मिलता है आइसबर्ग, जिसे लूफी पूछता है ज्वाइन करने को एंड एज पर यूनिवर्सल लॉ वो भी हाँ कर देता है। एंड अब यहाँ पर लूफी को उनके क्रू का शिप राइट मिल जाता है। अब भले ही उन्हें आइसबर्ग ज्वाइन करता है लेकिन फिर भी उसे सासिनेट करने का अटेम्प्ट होता है, साथ ही रॉबिन को भी पकड़ लिया जाता है एंड उसे बचाने के लिए एंड उन्हें बचाने के लिए आइसबर्ग उनके साथ नहीं जा पाता और बाकी के मेंबर जाते हैं। एंड वहाँ इंपल डाउन में CP9 से लड़ने के लिए हमारे स्ट्रॉ हैट्स के काफी सारे मेंबर्स होते हैं, इतनी की वो फाइट थोड़ी सी इजिली निपट जाए, बट डोंट वरी इतनी भी इजिली नहीं जाएगी। अगेन लूफी को अकेले ही रॉब लूची को हराना पड़ता। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि एस यहाँ पर किसी और से फाइट करने में बिजी होता, फिर चाहे वो सांजी की हेल्प कर रहा होता या फिर जोरो की। एंड अब रॉबिन को लेकर स्ट्रॉइड्स वापस वाटर 7 आ जाते हैं, उन्हें गोइंग मैरी जलानी पड़ती है एंड वापस वाटर 7 में आइसबर्ग उनके लिए शिप भी बनाता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रांकी की हेल्प लेते हुए। सो अगेन हमें वापस सनी ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर फ्रांकी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि फ्रांकी के ज्वाइन करने का रीजन था कि उसके ऊपर बाउंटी लग चुका था, लेकिन यहाँ पर भी फ्रांकी ही उन्हें ज्वाइन करता क्योंकि आइसबर्ग ऑलरेडी बहुत घायल है और लूफी को तुरंत वहां से निकलना है। ऑल्सो क्योंकि फ्रांकी के ऊपर भी बाउंटी अब आ चुकी है, ऑल्सो क्योंकि इंपेल डाउन आग के बाद फ्रांकी के ऊपर भी बाउंटी आ चुकी है, तो फ्रांकी के पास
पायरेट्स को ज्वाइन करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें आइसबर्ग की, तो ऑल्दो आइसबर्ग लूफी को मना नहीं कर सकता, लेकिन आइसबर्ग भी उस कंडीशन में नहीं है कि वो लोग उसे लेकर सेल पर जाएं। अब हम आ जाते हैं थ्रिलर बाग में, जहां हम मिलते हैं ब्रुक से। ब्रुक तुरंत ही लूफी को ज्वाइन कर लेगा उसके पूछते ही, बट फिर भी हमें गेको मोरे से लड़ना होगा क्योंकि हमें अभी भी ब्रुक की सोल की जरूरत है। एंड वहीं थ्रिलर बाग में ही वो एक जॉम्बी ट्री और जॉम्बी यूनिकॉर्न को भी पूछता है अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इस बार वो सभी लोग हाँ कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या हम जॉम्बीज को लेके भी शिप पर घूमेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही गेको मोरिया हारेगा वो सारे के सारे जॉम्बीज इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये जॉम्बीज मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉ हैट्स की तब तक हेल्प करेंगे जब तक गेको मोरिया वहां पर है। इसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू पहुंचेगी शाबोंडी आरपी लॉगो में, जहां लूफी को सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करने के कारण एडमिरल किजारू आएगा और बदलो की उमा भी वहां पर आएगा, और भले हमारे पास कितने भी स्ट्रॉन्ग वो सभी को भेज देगा अलग अलग आइलैंड्स। एंड हाँ, ये भी याद रखना कि वहाँ पर वर्ल्ड जनरेशन के और भी मेंबर्स हैं, और इन्हीं सब में से किजारू के हाथ एस वहाँ पर लग जाएगा। एंड ऐसा सभी को पता है कि एस मरीन्स के हाथ लग गया है, तो सभी उस तक पहुँच के उसको बचाने का ट्राई जरूर करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल स्टोरी में ब्लैक बियर्ड एस को टारगेट करता है क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, बट अभी ना तो एस व्हाइट बियर्ड के क्रू का मेंबर है ना ही ब्लैक बियर्ड का टारगेट। सो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड भले डेविल फ्रूट को चुरा लेगा, बट उसके पीछे फुल फ्लेज होकर नहीं लगेगा। और अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर वॉर लॉर्ड नहीं बन पाएगा, स्पेशली एस को लेकर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो इंपेल डाउन तो जरूर जाएगा कुछ क्रू मेंबर्स को चूज करने, जहाँ वो मिलेगा लूफी से, जो कि इवेंचुअली अमेज़न लिली से आया है हैंकॉक को पटाने के बाद। अभी आप लोग सोच रहे हो कि आखिर हर व्हाट इफ सिचुएशन में ब्लैक बियर्ड इंपेल डाउन क्यों जाना चाहता है। देखो, ब्लैक बियर्ड का कोई लेना देना नहीं है कि उसने एस को पकड़ा या लूफी को पकड़ा या किसी को भी पकड़ा, उसका मेन गोल था कि वो किसी भी तरह से इंपेल डाउन के स्ट्रॉन्ग पायरेट्स को अपने अंदर रिक्रूट कर ले और व्हाइट बियर्ड को मारकर उसका डेविल फ्रूट चुरा ले। अब इसके लिए वो डिफेंस में, ऑफेंस में या ट्रिकी वे में किसी भी तरह से वो बंदा खेले, फिलहाल के लिए उसका मेन गोल यही है कि वो किसी भी तरह से ये दो काम कर पाए, दैट इज इंपेल डाउन के पायरेट्स एंड गुरा गुरा नोमी। लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ जिम्बे नहीं होगा, एज व्हाइट बियर्ड पायरेट्स नहीं आएंगे वॉर में क्योंकि अब एस उनका कोई मेंबर नहीं है। बट ये सुनने के बाद हो सकता है ये पॉसिबिलिटी अराइज हो जाए क्योंकि एस पायरेट किंग का बेटा है, एंड व्हाइट बियर्ड के मन में आ जाए कि एस न्यू एरा स्टार्ट कर सकता है, तो वो शायद चले जाए सरप्राइजिंगली मरीन फूड। अभी आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, व्हाइट बियर्ड इतनी ज्यादा एक्सटेंड पे क्यों जाएगा इवन जबकि उसने ओडन को बचाने के लिए मना कर दिया था। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि गोल्डी रॉजर ने व्हाइट बियर्ड को बताया था कि एक तो कोई लौंडा होगा जो कि नया एरा को स्टार्ट करेगा एंड उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो हो सकता अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता तो व्हाइट बियर्ड चला जाए, वरना जहां तक मुझे लगता है व्हाइट बियर्ड में भी नहीं जाएगा। अब चलो हम एक पॉइंट पे अज्यूम कर लेते हैं कि व्हाइट बियर्ड वहां पर जाएगा, तो अगर सेंगोकू की बात करें तो सेंगोकू रेडी ही नहीं होगा इस पूरे प्लान के साथ कि कोई एम्परर अभी उनको पेलने के लिए आ रहा है, एंड इसी वजह से थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो जाएगा और लूफी वॉर में मिलकर एस को बचा के अमेज़न लिली भाग जाएगा। देखो, जिम्बे भी उनके साथ चला जाएगा क्योंकि जिम्बे को भी लूफी ने इंपेल डाउन से छुड़ाया था, तो ऑफ कोर्स जिम्बे का कुछ तो फर्ज बनता है लूफी को हेल्प करने के लिए। अभी जिम्बे को वॉरलॉर्ड के पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा और हो सकता है वॉर का फायदा उठा के ब्लैक बियर्ड को अब एक नया वॉरलॉर्ड बना दिया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लैक बियर्ड ने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी। अगर बगी एक वॉरलॉर्ड बन सकता तो ब्लैक बियर्ड को मैं मानता हूं कि उसने कुछ ना कुछ कांड जरूर किया होगा थ्रू आउट द वॉर कि उसे एक वॉरलॉर्ड बना दिया गया। बट इन केस हम मान लेते हैं कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स नहीं आते हैं इन लोग की हेल्प करने, तो देयर इज नो चांस कि लूफी एस को रेस्क्यू कर पाए, ना तो लूफी के पास इतनी फोर्स है और ना ही लूफी के अंदर इतना दम है कि वो अकेले ही इन एडमिरल से फाइट कर पाए। सो अगेन सिचुएशन वही होती है, इस बार तो एस को प्रॉपरली एक्सिक्यूट भी कर दिया जाता है, कोई मर्डर भी नहीं होता है, और वो वापस अमेज़न लिली पे आता है और ट्रेन करता है रेलिक के साथ। चलो मान लेते हैं कि एस जिंदा बच गया, तो एस और लूफी को रियलाइज हो जाएगा कि वो कितने कमजोर है, तो वो लोग यहाँ पर 2 साल के टाइम लेके रेलिक के साथ ट्रेनिंग करेंगे। अब रेली के साथ दोनों को ट्रेन करेंगे तो भाई इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि एस गोल्डी रॉजर का बेटा है और लूफी को ऑलरेडी रेलिंग ने रियलाइज कर लिया कि ये बंदा कितना केपेबल है, और क्योंकि व्हाइट बियर्ड अभी भी जिंदा तो फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्ट करता है, जिम्बे जाके फिशमैन आइलैंड में रहने लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर व्हाइट बियर्ड कैसे मरेगा और ब्लैक बियर्ड अपना डेविल फ्रूट कैसे लेगा, तो यहाँ पर जो कि मुझे लगता है कि ब्लैक बियर्ड अपने स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू का यूज करके फिर से व्हाइट बियर्ड को किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। पिछली बार उसने एस को पकड़ा था, याद करो ब्लैक बियर्ड का मेन गोल लूफी को पकड़ के देना था इंपेल डाउन में, उसका उस टाइम लूफी का व्हाइट बियर्ड से कोई भी लेना देना नहीं था, यानी कि मान लो अगर लूफी पकड़ा भी जाता तो व्हाइट बियर्ड उसे बचाने नहीं आने वाला था। ब्लैक बियर्ड का यहाँ पर सिर्फ एक ही मेन गोल था कि वो किसी भी तरह से वॉरलॉर्ड बन जाए और वो इंपेल डाउन में इन्फिल्ट्रेट कर पाए, तो अगर उसने अभी तक इंपेल डाउन से प्रिजनर्स को नहीं चुराया होगा तो अब वो जाके वहां से चुरा लेगा, एंड अगेन वो अपना कोई ना कोई प्लान बनाएगा कि किसी और व्हाइट बियर्ड के मेंबर को फंसा लें और उसके चलते चलते वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ एक वॉर कर ले। और जहां तक मुझे लगता है ब्लैक बियर्ड अपना प्रॉपर टाइम लेगा व्हाइट बियर्ड के लेवल तक जाने के लिए,
पहले वो अपने सारे क्रू मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग डेविल फोर्स दिलाएगा एंड फिर वो जाएगा व्हाइट बियर्ड से एक फाइट करने। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट तब हो सकती है जब 2 years का टाइम स्किप देखेंगे। तो 2 साल बाद सभी क्रू मेंबर्स रीयूनाइट होते हैं और जाते हैं शावोंडी में एंड देन वहां से वो लोग निकल जाते हैं फिशमैन आइलैंड की तरफ, जहां पे लूफी को पता चलेगा कि व्हाइट बियर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब लूफी ये क्लेम करेगा कि फिशमैन आइलैंड उसके प्रोटेक्शन में है। लूफी जिम्बे को भी ऑफर करता है ज्वाइन करने के लिए और वहां जिम्बे एक्सेप्ट कर लेगा एज पर द रूल ऑफ द वीडियो। और क्योंकि व्हाइट बियर्ड मर चुका था तो इसीलिए जिम्बे को टेम्पररी बिग मॉम के अंडर काम करना पड़ा था। सो बिग मॉम का भी उससे नाता टूट जाता और बिग मॉम का भी दिमाग खराब हो गया कि जिम्बे उससे बिना बताए ही स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद लोग पहुंचते हैं पंकजार्ड में जहां पे ये लोग किनेमोन के पैरों से मिलते हैं। लूफी उसे बोलता है ज्वाइन करने को तो वो भी कर लेता है एंड जब वो उसके कंप्लीट बॉडी से मिलते हैं तब किनेमोन फुल बॉडी के साथ उन्हें ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद वहां पर लूफी को सेंटोर्स भी मिलते हैं, वो 4 पैर वाले जानवर या फिर इंसान, उन्हें भी लूफी ऑफर करता है ज्वाइन करने को और वो भी हाँ कह देते हैं। अब काफी एक बड़ी सी क्रू बन गई है अननेसेसरी लोगों के साथ और इसके बाद वो लोग जाएंगे ड्रेस रोजा, जहां हमें कोई न्यू मेंबर नहीं मिलेगा बट हाँ हमें वहां पर अपना पुराना मेंबर जरूर मिल जाएगा एंड वो भी लूफी के साथ वापस जर्नी कंटिन्यू करेगा। दैट इज साबो जो कि डोफ्लामिंगो की वेपन ट्रेड के इन्वेस्टिगेशन में आता है एंड लूफी से एक्सीडेंटली मिल जाता है जिससे उसकी मेमोरीज वापस आ जाती है। अभी साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी को अचानक से छोड़कर कंप्लीटली लूफी के साथ जाने लगे, ये चीज थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इमेजिन करता हूँ कि साबो जो है वो एक एक्सेप्शनल केस बन जाएगा जहाँ पर वो लूफी के साथ तो है बट वो उसके साथ हर जगह ट्रैवल नहीं करेगा। इट इज मोर लाइक कि साबो उसके ग्रैंड फ्लीट का मेंबर बन सकता है जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए भी काम कर सकता है। इसके बाद हम जू आइलैंड, होल केक एंड वानो पे भी जाते हैं एंड एंड में आते आते जब तक हम वानो में एंट्री लेने वाले हैं तब हमारे पास आ गए हैं लूफी, ए, जोरो, नामी, ओसोप, गायमान, सांजी, क्रोकस, वीवी, रॉबिन, फ्रांकी, ब्रुक, जिम्बे एंड कुछ और अजीब से पायरेट जो कि झाड़ू पोछा लगाने का काम करेंगे अपने स्ट्रॉ हैट की शिप। अगर हम बात करें पोस्ट वानो आग की तो मोस्ट प्रोबेबली ने यामाटो भी ज्वाइन कर सकती है बट यामाटो उन्हें ज्वाइन करेगी तो क्या क्या होगा? वेल दैट इज अ स्टोरी ऑफ अनदर व्हाट इफ वीडियो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी और भी कई सारी व्हाट इफ की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना क्योंकि आपको ऐसे गजब के वन पीस और अदर एनिमेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। So until the next video, play.